वहां एक सीमा है उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे का तीखा हमला, पार्टी के नेताओं के करियर को नष्ट करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे पर अपनी ही पार्टी के नेताओं के करियर को नष्ट करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। रत्नागिरी जिले के खेड़ में उसी स्थान से एक रैली को संबोधित करते हुए जहां श्री ठाकरे ने एक पखवाड़े पहले एक सभा को संबोधित किया था, श्री शिंदे ने कहा कि वह शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी थे। चुनाव आयोग ने हाल ही में श्री शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता दी और उसे धनुष और तीर चुनाव चिन्ह आवंटित किया। श्री शिंदे जिनके उद्धव ठाकरे के खिलाफ तख्ता पलट ने पिछले साल शिवसेना को विभाजित कर दिया था और श्री ठाकरे के नेतृत्व वाली MBA सरकार को गिरा दिया था। उन्होंने कभी ऐसा नेता नहीं देखा जो अपने ही लोगों के राजनीति करियर को नष्ट करने के लिए अन्य राजनीतिक दलों के साथ साजिश करता हो। उन्होंने राज ठाकरे और नारायण राणे का नाम लिया जिन्होंने बहुत पहले शिवसेना छोड़ दी थी। ऐसे में पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? मैं गद्दार देशद्रोही नहीं बल्कि खुद्दार स्वाभिमान व्यक्ति हूँ। उद्धव ठाकरे को हमें देशद्रोही कहने का अधिकार नहीं है। शिवसेना को मजबूत करने के लिए गजानन कीर्तिकर, रामदास कदम जैसे वरिष्ठ नेताओं ने बाला साहेब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था, लेकिन आप उन्हें देशद्रोही कहते हैं। शिंदे ने कहा, संयम बरतने की एक सीमा होती है। मैं घर बैठे आदेश देने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन मैं संकट के समय फील्ड में जाने में विश्वास करता हूं। मैं 2 बार कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ। मैंने हमेशा फील्ड पर काम किया है, लेकिन आप मुझे देशद्रोही कहते हैं। उन्होंने श्री ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि श्री ठाकरे पर विपक्षी भाजपा और शिंदे खेमे द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुंबई में अपने निजी आवास के आराम से सरकार चलाने का आरोप लगाया गया था जब महामारी ने कहर बरपाया था। शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन उस विचारधारा के नहीं जिसे उन्होंने नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और NCP के पास गिरवी रख दिया था। मैं बाला साहेब की विचारधारा और विरासत का उत्तराधिकारी हूँ। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को पता होना चाहिए कि बाला साहेब सिर्फ उनके पिता होने से कहीं बड़े हैं। उन्होंने उन्हें सहानुभूति हासिल करने के लिए इसका राग अलापना बंद कर देना चाहिए। शिंदे ने आरोप लगाया, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। बाला साहेब आपके पिता हो सकते हैं, लेकिन सहानुभूति हासिल करने के लिए इसका राग अलापते मत रहिए। बाला साहेब आपके पिता होने से कहीं बड़े थे।